राज फिलिंग सेंटर पर निमाड़ का पहला सीएनजी पंप पूर्व विधायक गजानन पाटीदार ने फीता काटकर प्रारंभ किया। सीएनजी पंप के शुभारंभ पर पंप संचालक महेंद्र पाटीदार ने बताया कि राज फिलिंग सेंटर लगभग 14 वर्षों से कार्य कर रहा है और क्षेत्र में पेट्रोल की हाई सेलिंग का रिकॉर्ड भी हमारे नाम पर ही है, जो लोगों के हमारे प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। इसी को लेकर हुए क्षेत्र की जनता की मांग पर हमने सीएनजी पंप की शुरुआत की, जिसमें दरें भी अन्य सीएनजी पंप से कम है। साथ ही सीएनजी के वाहन पेट्रोल और डीजल के वाहन की तुलना में लगभग 25% सस्ता पड़ता है और वातावरण के लिए भी कम नुकसानदायक है, जो आज के समय की मांग है। निमाड़ क्षेत्र में खरगोन, खंडवा, बड़वानी कहीं पर भी सीएनजी पंप नहीं है, जिसकी वजह से सीएनजी वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। कसरावत में पंप चालू होने से सीएनजी वाहन चालकों में उत्साह देखा गया। पेट्रोल पंप संचालक महेंद्र पाटीदार ने बताया कि हमारे पंप पर हवा, पानी, टॉयलेट, फास्ट एड की सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है। हम अपने ग्राहकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। धन्यवाद। भैया, ये आप सीएनजी गैस भरवाने के लिए आए गए हैं? जी सर। तो सीएनजी की गाड़ी ली थी तो आपको क्या परेशानी हो रही थी अभी तक? वैसे तो हमको कसरावत से यहाँ अभी धार जिले में जाना पड़ता था, दूधी मानपुर बुजरी उधर ही डलवाना। और अब कसरावत में ही सीएनजी मिलने लगी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, अच्छी सौगात मिली है नगर को, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। हमारी काफी समस्याएं हल हो जाएगी। कब ली थी आपने? बढ़िया चीज तो ये है कि यहाँ पर रेट बहुत कम है। अच्छा, रेट भी कम है? 10 रुपए कम है रेट बाजार बाहर। मल्लेश्वर से आए? अच्छा, यहाँ पर कसरावत में सीएनजी चालू हो गया, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, काफी राहत। आपकी ने कब ली थी ये गाड़ी सीएनजी की? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। तो अभी तक क्या परेशानी आती थी आपको? महू जाना पड़ता था, तो अपना दूधी जाना पड़ता था, दूधी और महू तक जाना पड़ता था। अब कसरावत में गैस वो चालू हो गई, काफी अच्छा है। भैया, आपकी तो लोडिंग गाड़ी है, आपके भी सीएनजी है क्या? जी बिल्कुल। तो कब से सीएनजी करवा रखा था आपने? गाड़ी नहीं खरीदी, 1 महीने पहले। अच्छा, 1 महीने पहले गाड़ी सीएनजी की खरीदी? हम लोग से डलवा रहा था। क्या फायदा है पेट्रोल में और ये सीएनजी में, क्या लगता है आपको? ये पेट्रोल गाड़ी है, सीएनजी से एवरेज ठीक है, 7 रुपए किलोमीटर पड़ रही है गाड़ी। अच्छा, कसरावत में जब सीएनजी गैस नहीं थी, जब से आपने गाड़ी खरीद ली, तो क्या परेशानी आ रही थी अभी तक? हम लोग जाके डलवाना पड़ रहा था या फिर रहू जा रही थी, वहाँ से डलवा रहा था। अब कसरावत में हो गई, कैसा लग रहा है आपको? खुशी की बात है, दो पैसे का फायदा भी। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सर, राज फिलिंग ने निमाड़ क्षेत्र को एक नई सौगात दी है सीएनजी गैस की। क्षेत्र के लिए काफी दिनों से आवश्यकता थी, क्योंकि आज आने वाला समय सीएनजी का है। पेट्रोल कि जो स्थिति देख चल रही है उसके बाद में, तो कैसे आइडिया आया और क्या लगा था आपको? ये आइडिया तो काफ़ी समय से क्षेत्र की डिमांड थी, इसलिए हमने HPCL और अडानी ग्रुप से मांग की कि हमें CNG उपलब्ध कराएं, और ये हमें अवसर प्राप्त हुआ CNG का निवेश का, कि आज हमें मौका मिला है चालू करने का। कैसा रहेगा इसमें, कैसे क्या मीटर रहती, क्या कैसा? अभी इसका रेट 85 है मतलब। कितनी देर में भर जाती है? कितनी देर में भर जाती है? सर, ये लगभग एक गाड़ी, अगर हमारी 75 लीटर टैंक की है, तो 2 से 2.5 मिनट में गाड़ी भर जाएगी। सर, सबसे ज़्यादा इसका पर्यावरण के लिए महत्व माना गया है, तो पर्यावरण के लिए बहुत महत्व है ये। इसमें CH4 गैस यूज़ होती है, मीथेन गैस यूज़ होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन बहुत कम, उत्सर्जन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। दूसरा ये भी है कि जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है 2030 तक 6 से 15% नेचुरल गैस की इकोनॉमी करने के लिए, उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये CGD सेक्टर।
बहुत बधाई निमाड़ क्षेत्र के लिए पहला सीएनजी देने के लिए, क्योंकि जो विधायक महोदय हैं वो पहले भी, भूतपूर्व विधायक महोदय हैं, वो पहले भी क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रोग्रेस करते रहते हैं और आज सीएनजी देकर और क्षेत्र को नई सौगात दिए थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।